हेलो एवरीवन, तो ये हमारे बनारस ट्रिप का डेवन ब्लॉग है। वैसे इससे पहले हम लोग पटना से बनारस ट्रेन जर्नी करके आए थे, तो उस ब्लॉग का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी मैं हूँ बनारस के अस्सी घाट पे। तो यहाँ सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ गंगा जी में आके तो बनारस पास आके तो एक अलग ही मतलब सुकून मिल रहा है। उस पर इन पक्षियों को देखना तो और भी बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। अस्सी घाट पे इतनी खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल गए बनारस को एक्सप्लोर करने के लिए। है एवरीवन, तो अभी हम लोग बनारस की गलियों से गुजर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो अभी हम लोग बनारस की गलियों से गुजर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे कहीं और भी जाएंगे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ निकल जाता हूँ वही बनारस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग इधर से घूम ही रहे थे, तो हम लोग को पान खाने को मिला जो बहुत ही मतलब टेस्टी और बहुत ही मतलब स्वादिष्ट लग रहा था। उसके बाद फिर मैं आता हूँ अपनी फैमिली के साथ गंगा आरती घूमने के देखने के लिए। तो हम लोग नाव से घूमने वाले थे, तो सबसे पहले हम लोग केदार घाट आए थे यहाँ पे। तो हम लोग एक यहाँ से गली है, इसी से पार करके हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ का नज़ारा, यहाँ की गलियाँ बहुत मतलब खूबसूरत लग रही थी, तो घूमने बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो आगे का नज़ारा भी और बहुत सारा खूबसूरत था, तो हम लोग अंदर जा रहे थे और बहुत मतलब यहाँ अच्छा लग रहा था। इस अंधेरे सुरंग से होकर जा रहे हैं हम लोग आगे में गंगा घाट की ओर। ये बगल में रवि है। ये हम लोग कौन सा घाट पे हैं? केदार घाट जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग केदार घाट से निकल कर आए हैं और यहाँ का मतलब नज़ारा तो बहुत ही मतलब खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे मतलब नाव से पूरा गंगा जी को एक्सप्लोर करने के लिए मतलब देखने के लिए। और यहाँ से यहीं से हम लोग गंगा आरती भी देखेंगे। तो यहाँ का नज़ारा तो मतलब बहुत खूबसूरत है और भीड़ बहुत है यहाँ पर। और ये जो मतलब देख रहे हैं आप, ये तो यहाँ का जो बाहरी आर्किटेक्चर वगैरह है, ये मतलब ओल्ड वाला है लेकिन देखने में बहुत मतलब खूबसूरत लग रहा था। और ये तो नज़ारा तो और भी मतलब बहुत बहुत सुंदर था। तो मैं और मेरी फैमिली अभी हम लोग इसी घाट पर है अभी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर मतलब घूम फिर रहे हैं अभी, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ नाव वगैरह बैठेंगे, जो उसके बाद फिर गंगा आरती जाएंगे, तो वो भी आप लोगों को पूरा सीन दिखाएंगे यहाँ से। अभी हम लोग आ गए हैं गंगा घाट किनारे नाव पे, तो यहीं से हम लोग मतलब नाव से पूरा नज़ारा लेंगे। तो वैसे हम लोग को मतलब शाम हो गई थी आते आते, लेकिन हाँ शाम का मतलब नज़ारा जो था और मतलब खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने में। तो अभी मैं हूँ, मेरे साथ भैया है, भगवान शिवानी जी हैं और सब लोग और फैमिली लोग भी हैं, सब यहाँ पर घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हो सब मतलब नाव पे अच्छी खासी मतलब भीड़ थी हम लोग देख सकते। तो यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, तो सारा नज़ारा आप लोग को दिखाते हुए चलते हैं हम लोग। तो मतलब लिटरली बहुत 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 ज़्यादा ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा लगा था देखने में। तो यहाँ नाव से गंगा जी में घूम के मतलब बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। बनारस में आप ऐसे घूमते हो तो वो मतलब बहुत सुकून मिलता है, और अगल बगल जो नाव वगैरह जो देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में। तो हम लोग मतलब जिस समय हम लोग घूम रहे हैं, तो उस समय मतलब अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। अगल बगल और भी नाव चलते हुए हम लोग को दिख रही थी, ये देख रहे थे सामने से और भी दूसरी नाव जा रही थी, तो मतलब बहुत खूबसूरत लग रही थी यहाँ से देखने में। तो यहाँ पर आप गंगा घाट में घूमोगे तो आपको बहुत सारा मतलब नाव अगल बगल देखने को मिलेगा, और मतलब लिटरली बहुत वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा लगता है शाम के वक्त। तो हम लोग पूरा इंजॉय करते हुए जा रहे हैं अभी बोट पे, वहाँ बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। ये अपनी फैमिली देख रहे हो, सब अपनी फोटो फोटो खींच रही हैं, ये मनु जी अपना ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग को मतलब यहाँ पर बहुत मतलब इंजॉय लग रहा है अभी, और अगर गंगा आरती देखेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर लगेगा। तो सबका ब्लॉग बना शूट कर रहा हूँ, साथ साथ मैं अपना भी शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। Thank you.
तो हम लोग पहुंच गए अभी गंगा आरती के पास। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जितने भी बोट वाले हैं सब साइड में अपने लगा के सबको यहाँ से दर्शन कराते हैं गंगा आरती का। तो हमारा एक बोट जा रहा है अभी, तो हम लोग भी आगे जाके मतलब यहाँ से दर्शन करेंगे। तो सामने से गंगा आरती देखने को मिलेगी, तो बहुत मतलब अच्छा लगेगा यहाँ से देखने में। तो ये आप देख रहे हो अभी मतलब यहाँ से गंगा आरती हो रही है, तो यहीं पर हम लोग बैठ के अभी गंगा आरती देख रहे हैं। ये देखो यहाँ से मतलब कितना भीड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मतलब गंगा आरती देखने का एक मतलब अपना ही अलग एक्सपीरियंस लग रहा था। मतलब इतने लोगों के साथ एक साथ गंगा आरती देखने का जो मतलब मज़ा आ रहा था वो अलग ही लेवल का था। तो हम लोग यहाँ से सब बैठ कर देख रहे थे, मैं और मेरी फैमिली सब लोग यहाँ से। हम लोग अभी गंगा आरती देख रहे हैं अश्वमेध घाट पर, और हाँ बनारस में, वाराणसी में। अभी शाम के लगभग में 6:15 बजने वाला है। हाँ देख लीजिए, ये पैशनेट मन्नू वर्षा चैनल के 2 ब्लॉगर्स हैं। नहीं नहीं ब्लॉगर, हमको हमको क्या मतलब है लवर से, हमको मतलब नहीं है। इधर मोहित ट्रैवलर चैनल है जिसका वीडियोग्राफी मैं कर रहा हूँ, रोहित ट्रैवलर नहीं, रोहित आनंद। हाँ कट कर देना। आई देखिए मम्मी मेरी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए बोलिए माँ। चलिए आंटी 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 सिवानी दोनों बोलेंगे, तीनों 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 हर महादेव। बोलो देखो जी करा हर तो यहाँ से हम लोग गंगा आरती को तो बहुत मतलब ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर हर महादेव हर हर जयकारा लगा रहे थे। तो यहाँ पर इतने लोग साथ भीड़ देखने का मतलब अपना एक्सपीरियंस मतलब बहुत सही था, मतलब बहुत सही लगा था, और सुकून आता है वो मतलब अलग ही लेवल पे था। तो इस यहाँ से हम लोग पूरा गंगा आरती देखे और बहुत इंजॉय भी किया यहाँ पे। तो गंगा आरती देखने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं अभी अस्सी घाट की तरफ। तो यहाँ गंगा आरती देखने में तो हम लोग को बहुत इंजॉय लगा, बहुत पसंद आया। आई होप आप लोग को भी यहाँ गंगा आरती और पूरा बनारस वाला ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्या अच्छा लगा ब्लॉग में, और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बनारस के कुछ और ब्लॉग्स भी आने वाले हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा और देखने के लिए। तो मिलते हैं आप लोग से अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।